कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि बिना मोबाइल नंबर के आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। इससे आप अपने बिजनेस को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप एक QR कोड को बना लीजिए। उस QR कोड को आप विजिटिंग कार्ड या शॉप में या अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी उसको प्रिंट करवा सकते हैं, जिससे कोई भी उस QR कोड को स्कैन करके आपको सीधे कॉल कर सकता है। दोस्तों तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उस एप्लीकेशन से कैसे QR कोड को क्रिएट करते हैं और उस एप्लीकेशन का कैसे यूज करते हैं। चलिए वीडियो को, ये आपका अपना YouTube चैनल टेक्निकल राजेश में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेश कुमार मौर्य, और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल है प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो बनाए तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे सर्च करना होगा फ्री फ्लाई 881। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे फ्री फ्लाई 881 तो आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहाँ से जा करके आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ से ओपन कर लेना होगा। जैसे आप ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, तो आपको साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी होगी, जिस कंट्री से आप हैं वो कंट्री आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे हमने इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने इंडिया को देखते हैं कहाँ पे है इंडिया, ये इंडिया को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको योर सेल फोन नंबर डालना होगा। ये नंबर केवल सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए है, ये कस्टमर को दिखाई नहीं देगा, कस्टमर को शो नहीं होगा। यहाँ पे आपको नंबर डाल के 47083 डाल के आपको सिंपल सा यहाँ पे नेक्स्ट कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कोड आपको भेजा जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे हमने वो कोड यहाँ पे डाल दिया, ठीक, उसके बाद ये वेरीफाई होगा। आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना होगा, सेट पासवर्ड पे क्लिक करके एक पासवर्ड आपको बना लेना है, कोई भी पासवर्ड। उसके बाद पासवर्ड को सेट कर लेना होगा, आपको डालना है यहाँ पे दो पासवर्ड डालने हैं, कंफर्म कर लेना है कंफर्म पासवर्ड, ये आपको डाल देना है। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे नेक्स्ट सेव कर लेना हो। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट योर फ्री फ्लाई नेम आपका डालना है, जो आपका नेम है। जैसे हमारा टेक्निकल राजेश के नाम से चैनल है तो यहाँ पे टेक्निकल राजेश डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक नंबर सेलेक्ट करना होगा, कोई भी आप अपने मन मुताबिक नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये सेकेंड वाला नंबर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद है नेक्स्ट कर लेना होगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने ये आएगा, तो अब मांग रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना होगा। ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगा सकते हैं, योर प्रोफाइल नेम लिख सकते हैं, बिजनेस नेम लिख सकते हैं, रीजन्स लिख सकते हैं, कीवर्ड्स लिख सकते हैं, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, आपकी जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दे रहे हैं, एल्बम से लेकर के एक फ़ोटो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, कोई भी फ़ोटो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे हमने ये फ़ोटो लगा के कन्फर्म कर दिया, ये देख सकते हैं आपका फ़ोटो लग गया। वैसे आप यहाँ पर पूरी प्रोफाइल आपको फिल कर लेना होगा, फिल करने के बाद आपको सिंपल सा ये देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप ये प्रोफाइल को पूरा फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको नॉट नाउ पे कर देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं टू सेट नॉट नाउ, यहाँ पे टू सेट नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका QR कोड ये है, आपका QR कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये QR कोड जनरेट हो गया है। अब इसको आपको यहाँ पे सेव करके आप किसी को इसको शेयर कर सकते हैं, या इसको एक बना करके आप अपने विजिटिंग कार्ड या शॉप पे कहीं पे प्रिंट करके आप इसको लगवा सकते हैं। जो कोई भी इसको स्कैन करेगा बिना मोबाइल नंबर के आपको वो कॉल कर सकता है। यहाँ पे हम इसको सेव कर ले रहे हैं, सेव करने के बाद आप ये देख सकते हैं सेव हो गया, इमेज में सेव हो गया। उसके बाद इमेज पे आते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं बार कोड आ गया होगा हमारे, उस बार कोड को आप शेयर करके कहीं से भी प्रिंट इमेज पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये बार कोड आ गया। अब हम अपने दूसरे मोबाइल से इस बार कोड को स्कैन करके इसको कॉल करते हैं। आप देख सकते हैं हम अपने दूसरे मोबाइल से, आप किसी भी बार कोड से इसको स्कैन कर सकते हैं। आपके मोबाइल में बार कोड स्कैनर होना चाहिए, ये देख सकते हैं हमारे मोबाइल में यहाँ बार कोड स्कैनर है। स्कैनर पे क्लिक करते हैं और दूसरे वाले बार कोड के जो हमने वहाँ पे बार कोड किया था, प्रिंट किया था, सेव किया था, उस बार कोड के यहाँ पे हम स्कैन
कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने बारकोड को स्कैन कर रहे हैं। यहाँ पे बारकोड स्कैन हो गया। अब सीधे आप यहाँ पे देख सकते हैं, गो टू वेबसाइट पे जा करके आप यहाँ पे सीधे इसको कॉल कर सकते हैं। जिनने बारकोड को स्कैन कर लिया, बारकोड स्कैन करने के बाद बिना मोबाइल नंबर के आप यहाँ पे देखेंगे, बिना मोबाइल नंबर के आप ये देखिए, बिना मोबाइल नंबर के राजेश नाम लिख के आ गया। अब इस पर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए कॉल होने लगी दोस्तों। अब वहाँ पे उस वाले नंबर पे कॉल आपकी पहुँच जाएगी। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप कॉल कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए वहाँ पे कॉल आपकी बारकोड के जरिए वहाँ पे कॉल पहुँच रही है। ठीक दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अनलिमिटेड बात करना एक दूसरे से, तो आपको भी इस वाले मोबाइल में जो हमारा दूसरा मोबाइल था इसमें भी उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद अब फर्स्ट वाले मोबाइल पर चलते हैं, यहाँ पर हम उस ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद बैक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं बारकोड स्कैनर, बारकोड स्कैनर पे क्लिक करके अलाउ कर लेना होगा। और उस जो दूसरे वाले मोबाइल में डाउनलोड करेंगे उस बारकोड स्कैन कर, बारकोड को स्कैन करके आप अनलिमिटेड यहाँ पे कॉल और बातें कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर एक कॉल बटन भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा, कॉल बटन पे क्लिक करना होगा। कॉल बटन क्लिक करने के बाद आप कॉपी द कोड, यहाँ से कॉपी द कोड करके आप अपनी वेबसाइट पे वो पेस्ट कर देंगे कोड को, उसके बाद वहाँ पे वो फ्री कॉल आपको कर सकता है। दोस्तों, आपने सीख लिया होगा कैसे हम फ्री कॉल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर ली, ताकि अगर कोई भी वीडियो बनाए तो उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।